गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड फूड. सेकंड क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट. थर्ड क्वेश्चन इज हु आर नॉन वेजिटेरियंस. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट. एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर डाइवर्सिटी इन फूड. ओके ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट दिस नोटबुक वेरी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट हियर डेट, लेसन 11th, लेसन नेम द फूड वी ईट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड फूड. आंसर इज फूड गिव्स एनर्जी टू द बॉडी एंड हेल्प अस टू ग्रो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट. आंसर इज रूट्स, लीव्स, सीड्स, स्टेम, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर नॉन वेजिटेरियंस. आंसर इज पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग्स अलोंग विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट. आंसर इज अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड. आंसर इज पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड्स of food. Their diet depends on what grow easily in their area and what the climate is like. Okay, okay student, today we do question answer of lesson 11, the food we eat. So your homework is write question answer in your notebook. And now time to say bye. Bye bye student, have a nice day.